जैसा कि आप जानते हैं, अनेक विषयों पर हम चर्चा करते हुए आज विवाह संस्कार के ऊपर आए हैं। भारतीय संस्कृति में विवाह 16 संस्कारों के रूप में गिना जाता है। माता पिता के लिए, जातक के लिए विवाह एक ऐसी प्रक्रिया है कि आयु होने पर विवाह के लिए लड़का या लड़की, वर या वधु ढूंढना शुरू किया जाता है। भारतीय समाज में या किसी भी समाज में विवाह इतना महत्वपूर्ण है कि विवाह से पहले बहुत सारी चीजें, मिलान और उनके बारे में चर्चा होती है। परेशानी, समस्या या किसी भी प्रकार की खराबी, विवाह में आना और उसको रोकना, ये ज्योतिषियों द्वारा, पंडितों द्वारा या किसी भी गणना के द्वारा किया जाता है। परंतु समस्या फिर भी आती है, शादियां टूटती हैं, विवाह खराब होते हैं, विवाह की आयु खत्म होती है। आज इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं श्रीमती प्रेमवदा अग्रवाल। आज हम बात करेंगे, यदि पहली शादी, प्रथम विवाह खराब हो जाए, टूट जाए, तो कुंडली में दूसरे विवाह को लेकर क्या गणनाएं हैं, उनकी क्या परिभाषा है, उनकी क्या उपयोगिता है और उनके बारे में हम और क्या चर्चा कर सकते हैं। मेरे साथ मेरी टीम में संभव ज्योतिष से श्री धर्मनारायण शर्मा जी हैं और तरुण रोड़े जी हैं। मेरा प्रेमदा मैडम से निवेदन रहेगा, पहले थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए, अपना पर्सनल जो उनका जीवन है, और फिर ज्योतिषीय उनकी यात्रा किस प्रकार रही, और दूसरे विवाह को लेकर आपके मन में क्या विचार हैं, और आपने ज्योतिषीय आधार पर इन गणनाओं को किस प्रकार से देखा है। उसके बाद मैं 76 से दिल्ली में रह रही हूँ, और दिल्ली में ही फिर मैंने ITI में एज ए लेक्चरर सोशल स्टडी 96 पढ़ाया। उसके बाद मैंने छोड़ दिया, फिर अचानक 99 जनवरी में मैंने भारतीय विज्ञान में ज्योतिष में एडमिशन लिया, और मुझे ज्योतिष की ABCD भी नहीं आती। लेकिन जब यहाँ ज्योतिष में एडमिशन लिया, इत्तेफाक से पता नहीं, ज्योतिष में भी अच्छे नंबर आ गए, अच्छे नंबरों से हमने अलंकार कर लिया और बहुत अच्छे नंबरों से आचार्य भी पास कर। और 2001 में राव सर की क्लास में ज्योतिष का रिसर्च में अध्ययन हमारा शुरू, और राव साहब की क्लास में जब हमने ज्योतिष शुरू की, रिसर्च शुरू की, राव साहब ने ऐसे ऐसे टिप्स दिए जो हम इमेजिन नहीं कर सकते, और उन्होंने क्लास में बहुत सी बातें पूछी। जैसे उन्होंने बताया अष्टम भाव होता है कुंडली का, आप इसे सब खराब मानते हैं लेकिन ये अच्छा भी होता है, क्योंकि 10th हाउस से 11th हाउस, कुंडली के 10th भाव से ये 11th हाउस, इसलिए इसके अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते। इस प्रकार हमें उन्होंने बहुत सी बातें बताई, रिसर्च चलती रही हमारी 2009 तक। 2010 में हम ज्योतिष में आ गए, और राव साहब का घर मेरे घर से पास होने की वजह से मैं अक्सर ही राव साहब के घर चली जाती, सप्ताह में एक बार दो बार, जिसकी वजह से मुझे राव साहब को बहुत ज्यादा मार्गदर्शन मिला। और राव साहब बात बात में ही कहा करते थे, आप तो गॉड गिफ्टेड प्रेडिक्टर हैं, उन्होंने अपनी बुक्स में भी लिखा है। जब मेरे उनके यहाँ जाती थी तो उन्होंने, कोई उनके पास बैठे थे, उन्होंने उनसे कहा ये बहुत अच्छी प्रेडिक्शंस करती हैं, तो उन्होंने कहा फिर इनके ऊपर एक बुक निकाली ना, फुलफिल प्रेडिक्शन के ऊपर उन्होंने बुक्स भी निकाली जो बहुत अच्छी चली। आखिर में 2010 से मैंने ज्योतिष का यहाँ पे पढ़ाना शुरू कर दिया, राव साहब ने फैकल्टी में ली, और जब से आज तक हम पढ़ा ही रहे हैं, यही हमारा संक्षेप में ज्योतिष का पद। मैडम अति उत्तम, और बड़े कम समय में आपने भारतीय विद्या भवन की फैकल्टी को ज्वाइन कर लिया था, और राव साहब का विशेष आशीर्वाद आपके ऊपर रहा। हमारे साथ धर्मनारायण शर्मा जी हैं, उनके कुछ विचार हैं सेकंड मैरिज को लेकर, वो आपके साथ साझा करेंगे। तो मेरा निवेदन है धर्मनारायण जी से, प्लीज सीक्वेंस 1 से लेके 3 तक जो भी 4 तक बनेगा वो शर्मा जी ले लें प्लीज। थैंक यू राजदीप। सबसे पहले मैडम को सादर नमस्कार,
मैडम आपसे हमने बहुत कुछ सीखा है और आपसे और भी सीखते रहेंगे। आज एक स्पेशल सेशन हम लोगों ने रखा है, आपका जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है जिसपे आपने काफी रिसर्च किया है, दैट इज सेकंड मैरिज। और इनफैक्ट राव साहब ने, जैसा आपने कहा कि राव साहब हमेशा कहते हैं और उन्होंने कई जगह मेंशन भी किया है कि आपके द्वारा जो सेकंड मैरिज के ऊपर स्पेशल लेख लिखे हैं उसे आज तक सबसे ज्यादा व्यूअरशिप मिली है। तो वी आर सो लकी कि आज आप हमारे साथ हैं। मैम सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप ये बताएं कि शादी जब हो जाती है, सबसे पहले तो शादी के लिए काफी खोजबीन और रिसर्च की जाती है, शादी हो जाती है तो उसका टूटना और उसका दूसरी मैरिज की ओर जाना, ये कुंडली में कैसे देखा जाए, प्लीज मैम जरा इस पे बताएं थोड़ा सा। मैम आपका माइक ऑफ है, जरा माइक ऑन कर दीजिए। हाँ बताओ। जब किसी भी कुंडली में सप्तम भाव, सप्तमी और शुक्र निष्पाप हो, पीड़ित ना हो, तो ऐसी मैरिज जनरली सक्सेसफुल होती है। राव साहब हमेशा कहते थे कि ज्योतिष को कभी भी आप करें, देश काल परिस्थिति का हमेशा ध्यान रखें। और मेरा मानना है जो शादियां अर्ली एज में हो जाती हैं वो ज्यादा सक्सेसफुल हो, कुंडली के योग तो हैं ही, जितना मैरिज लेट हो रही है उतनी नेचर भी मैच्योर हो जाती है। और नेचर मैच्योर होने से हमारी चॉइस, हमारी कि किस तरह का पार्टनर चाहिए, कैसी फैमिली होनी चाहिए, ये सब देश काल परिस्थिति का ध्यान करते हुए शादी को हम देखेंगे। मुख्य रूप से शादियां वहां खराब होती हैं जहाँ हमारा सप्तम भाव पीड़ित है या सप्तमीश पीड़ित है या शुक्र पीड़ित है या शुक्र बकरी है, नीच का है, पाप कर्तरी में है, डी नाइन में भी पीड़ित है, ऐसी कंडीशन में अक्सर शादियों में प्रॉब्लम आती है। इन सबसे भी ज्यादा हम शादी का टूटने के लिए देखेंगे दशाओं पर। यहाँ पर हमें ये भी ध्यान देना है कि शादी ना टूटे, इसके लिए हम कई बार ऐसा भी कोशिश कर सकते हैं, निश्चित तो जो है वो है, लेकिन हम अपने कर्मों के आधार पर, कुंडली के आधार पर, अगर हमारी वर्तमान दशाएं सही नहीं चल रही हैं, खासकर प्रत्यंतर या सूक्ष्म अंतर, प्रत्यंतर या अंतर, महादशा को तो हम बदल ही नहीं सकते, देखिए अंतर दशा को, प्रत्यंतर दशा को हम चेंज करने का कई बार, प्रत्यंतर तक का तो कर ही सकते, इंतजार कर सकते, उस कंडीशन में दशा बदलती है तो माहौल भी सही हो जाता है। मतलब हमारे जो दशा बदली, उन ग्रहों की यदि पोजीशन अच्छी है, सप्तम भाव पे या शुक्र पे ज्यादा पीड़ा नहीं आ रही है, तो कई बार शादी टिक भी जाती है। कंडीशन ये नहीं है कि सप्तम सप्तमी पीड़ित है तो शादी टूटेगी ही, कई बार हमारी दशाएं बदल जाती हैं, दशाओं के साथ में हमारे जीवन की दिनचर्या बदल जाती है, जीवन हमारे इंसान का व्यवहार बदल जाता है, क्योंकि हमारी दशाएं तो 120 वर्ष की होती हैं, कुंडली वही रहती है, सिर्फ दशाएं बदलती रहती हैं, जिससे हमारे जीवन में परिवर्तन आता रहता है। इसलिए हम सही दशाओं का भी शादी ना टूटने के लिए थोड़ा सा ध्यान कर सकते, लेकिन अगर बहुत ज्यादा सप्तम भाव पीड़ित है, सप्तमीश पीड़ित है, शुक्र भी पीड़ित है और डी नाइन में भी पीड़ा आ रही है, तब तो हमें समझ लेना चाहिए कि शादी ये टूटेगी ही। और जब शादी टूटती है तभी सेकंड मैरिज की स्थिति बनती है हमारी। बहुत अच्छा मैम, आपने बिल्कुल सटीक मार्गदर्शन किया है। इसके अलावा स्पेसिफिकली मैम कौन से भाव, कौन से ग्रह, कौन से नक्षत्र को ध्यान में रखा जाए, जरा उसके ऊपर थोड़ा सा और एक्सप्लेन कीजिए सो दैट कि वो लोगों के काम आएगा। देखिए जब शादी खराब है, शुक्र तो पीड़ित है ही कहीं ना कहीं, तभी वो टूटती है, लेकिन हम सेकंड मैरिज के लिए नवम भाव देखते हैं कुंडली, और ये मैंने करीब 200 कुंडलियों पर राव साहब के अंडर में रिसर्च की थी, बस बुक नहीं निकाली, इतनी कसर रह गई। उन कुंडलियों में सब में यही पाया कि सेवेंथ और नाइन्थ का कहीं ना कहीं कनेक्शन आ रहा है। वैसे तो सेवेंथ हाउस का, इलेवेंथ हाउस का या सेवेंथ लॉर्ड का, सेवेंथ हाउस सेवेंथ लॉर्ड का इलेवेंथ से किसी भी तरह से कनेक्शन, कई बार सेवेंथ लॉर्ड का फिफ्थ हाउस यानी कि अपने से इलेवेंथ हाउस में जाना, ये भी मल्टीपल रिलेशन का कनेक्शन। लेकिन सेकेंड मैरिज
अब मल्टीपल रिलेशन में फर्क है, मल्टीपल रिलेशन तो आज के समय की देन है, लेकिन सेकंड मैरिज जो है उसमें 99% सेवेंथ और नाइन्थ हाउस का कनेक्शन कुंडली में पाया जाता है। और जब हमारी नाइन्थ हाउस की नाइन्थ लॉर्ड की दशा आती है तभी सेकंड मैरिज हुई। इसका मैं इसलिए बता रही हूँ, एक बार एक लेडी मेरे पास आई, उसके हस्बैंड की अचानक डेथ हो गई, उसकी बहन लेके आई उसे कि इसकी सेकंड मैरिज हो जाएगी, छोटी छोटी दो बच्चे। तो मैंने अपने अंदाज से, क्लासिक्स में तो ऐसा कोई प्रिंसिपल ही नहीं है सेकंड मैरिज का, खासकर लड़कियों के लिए, पुरुषों के लिए तो था कि भाई दूसरा विवाह है, एक पत्नी मर जाती है तब, लेकिन लेडीज के लिए कहीं किसी क्लासिक्स में मेरे ख्याल से नहीं है कोई। तो मैंने अंदाज से कि जैसे हम लगन से तीसरा भाव देखते हैं भाई बहनों के लिए, ऐसे सप्तम से तीसरा भाव यानी कि नवम भाव देखा सेकंड मैरिज के लिए, और उसे प्रेडिक्शन दे दी कि दो साल बाद तुम्हारी शादी हो सकती, ऐसा मुझे संभावना लगी क्योंकि एज उसकी छोटी थी, घर वाले कोशिश कर रहे थे, एक माहौल भी देखना पड़ता है। ठीक दो साल बाद उसकी शादी हो गई, सन 5 में वो लेडी मुझे किसी मैरिज में मिली, तब उसने बताया दीदी ये मेरे हस्बैंड, तो मैंने जाके राव साहब को बताया सर मैंने ऐसे प्रिडिक्शन दी थी सन 2 में, 4 में उसकी शादी होगी, तो राव साहब बोले उसे लिखवा के लाओ। फिर वो एक साल मुझे लग गया उसे लिखवाने में, कहीं मिली नहीं, कॉन्टेक्ट नहीं बना, फिर बना, फिर लिखवाया, राव साहब को दिखाया, बोले वेरी गुड एक्सीलेंट, फिर उन्होंने इसे अपने नेटवर्क पे डाल प्रिडिक्शन, और सेप्टेम्बर सन 7 से ये प्रिडिक्शन लगातार वर्ल्ड में रेटिंग में टॉप 1 चलती। खैर ये तो सेकंड मैरिज का है। फिर उसके बाद आ रहा सबने कहा आप इस पर काम भी करो, तब बहुत सारा काम किया इस पर, और हर कुंडली में यही देखा कि सेवेंथ और नाइन्थ का कनेक्शन आ रहा है, कहीं कहीं डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो इनके नक्षत्रों का आ रहा है, सेवेंथ का नाइन्थ के नक्षत्र से या नक्षत्र से संबंध आ रहा है, लेकिन सेवेंथ नाइन्थ का हर कुंडली में कनेक्शन, और कमिंग दशाएं भी देखनी पड़ती हैं, नाइन्थ की तो दशा आएगी ही। और कई बार क्या हुआ है, एक कुंडली में मैंने देखा नाइन का कनेक्शन नहीं उसमें कहीं भी, और उसके घर वाले लड़की के लिए शादी का देख रहे थे बहुत ज्यादा, पर मैंने देखा कि इसके लगन से चंद्र लगन बहुत बन गया, और चंद्र लगन बन गया तो फिर मैंने देखा उसकी शादी कब हुई पहली वाली, उसकी डाइवोर्स कब हुआ, वो सब चंद्र लगन से प्रेडिक्शन आ रही, उसका डाइवोर्स का केस चला वो भी चंद्र लगन से प्रेडिक्शन आ रही। तो मैंने उसके चंद्र लगन से ही नाइन्थ और सेवेंथ का कनेक्शन भी देखा, और दशा का मैंने बता दिया कि दशा होगी शादी होगी, और सही उसी टाइम पे उसकी शादी। तो यहाँ पर हमें ये भी ध्यान देना है कि दशाएं कम मिल रही हैं, लगन हमारा ज्यादा बली है कि चंद्र लगन ज्यादा बली है, नाइन मैक्सिमम प्रेडिक्शन हमारी लगन से ही परफेक्ट सही आती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है लगन थोड़ा वीक है और चंद्र लगन ज्यादा मजबूत, तब हमें उस पर भी ध्यान देना चाहिए, और इस प्रिडिक्शन के साथ साथ हमें गोचर का भी ध्यान देना है। जैसे हम डबल गोचर शनि या गुरु का सप्तम या सप्तमीश पे लगाते हैं, उसी प्रकार नाइन्थ लॉर्ड या नाइन्थ हाउस पे डबल गोचर भी लगे, तभी सेकंड में पूरी पूरी संभावना बन। मैडम इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड इन्फॉर्मेशन जो आप आज हमें बता रहे हैं, ये एक संक्षेप में एक वीडियो के जरिए सब तक पहुंचेगा। मैम इसके अलावा थोड़ा एक सवाल था कि दूसरी शादी हो गई, दूसरी शादी की इम्पोर्टेंस क्या होती है, वो सफल होगी या विफल होगी, इसके योग कैसे देखे जा सकते हैं? इसके तो अभी कोई योग क्योंकि क्लासिक में कोई प्रिंसिपल नहीं है। अब जो दूसरी शादियां हो रही है अभी दो चार साल से ज्यादा आ रही है, उनके रिजल्ट अभी सामने नहीं आए, फिर भी जैसा राव साहब कहते थे हमें नाइन्थ हाउस से सप्तम भाव भी देखना है जो कि हमारे इस कुंडली का थर्ड हाउस, और जैसे हम नाइन्थ हाउस को देखते हैं ये हम इमेजिन कर सकते हैं, इसका कोई प्रिंसिपल नहीं है, यही शायद बाद में बने, तो नाइन्थ हाउस से 4-8 पार है जरा पीड़ित ना हो, यही हम कह सकते हैं कि सेकंड, और कमिंग दशाएं अच्छी, कमिंग दशाएं अच्छी होंगी तो सब अच्छा हो जाता है। मुख्य रूप से हमें दशाओं पर ध्यान, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा तरुण से, तरुण आपकी जो क्वेरीज है आप भी मैम से डिस्कस करें प्लीज। तरुण थैंक यू सर, मैम आपने इन्फॉर्मेशन हमें दी, ये बहुत ही वैल्यूएबल है और बहुत ज्यादा सबके लिए हेल्प होने वाली है इसकी। मैम एक सवाल आता है कि दूसरी शादी हो गई
ऐसे कौन से योग होते हैं या ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन होंगे जिसमें हम कह सकते हैं कि दूसरी शादी जो है सफल रहेगी, इसमें जो है सुख शांति जो और मांगल्य है वो अच्छा रहेगा, इसके कुछ कॉम्बिनेशंस अभी हम डिराइव कर पाए हैं मैम इसके अंदर? इसके लिए कॉम्बिनेशन तो मैं समझती हूँ कि दोनों बच्चों का मंगली होना जरूरी, ये फर्स्ट मैरिज में भी है सेकंड, या मंगली दोष की पूजा करा दी जाए से भी मंगली दोष शांत हो जाता है। बाकी सेकंड मैरिज सफल होगी इसका तो वो ये है पॉइंट है कि 9th हाउस को हम पकड़े, सप्तम से पहली मैरिज होती है उससे तीसरा भाव होना 9th हाउस, 9th हाउस से सेकंड मैरिज आती है, 9th हाउस से 4, 8, 12 भाव में ज्यादा पीड़ा ना हो, मतलब पीड़ा ना हो या ज्यादा पीड़ित ना हो, तब भी हम कह सकते हैं या सोच सकते हैं कि सेकंड मैरिज भी सफल। इसके लिए अभी कोई प्रिंसिपल नहीं है, अब जिस तरह से शादियां हो रही हैं तो प्रिंसिपल भी बन जाएंगे, बाकी हम शादी के लिए कमिंग दशाओं पर जरूर ध्यान देंगे कि किन भावों बहुत की चल रही है और वो उस भाव को किस तरह से इफेक्ट कर, जिस भाव का हम रिजल्ट देखने जा रहे। बहुत बढ़िया मैम। मैम कोई ऐसा कॉम्बिनेशन है मल्टीपल मैरिजेस का, जैसे आपने पहले भी बताया, कोई मल्टीपल मैरिजेस के लिए या एक से ज्यादा विवाह के क्या योग हो सकते हैं? देखिए एक से ज्यादा विवाह के सप्तम सप्तमेश का 11th से कनेक्शन हो, ये तो योग है ही। सप्तम सप्तमेश का पंचम भाव से कनेक्शन होना, ये लव मैरिज का भी है लेकिन सप्तमेश का जाके पंचम में बैठ जाना, यानी कि अपने से 11th हाउस में वो जाके बैठ गया। और दूसरा यह है सेकंड लॉर्ड जो कि हमारे कुटुंब का होता है, 7th हाउस जो हमारे मैरिज का होता है, और 11th हाउस जो कि हमारे उसमें जीवन में वृद्धि दिखाता है। जब इन तीनों के ही स्वामी जाके 30 भाव राशियों में बैठ जाते, उस कंडीशन में भी हम ये सोच सकते हैं कि इनकी मल्टीपल मैरिज होंगी, और 7th और 11th का कनेक्शन तो हमें जरूर, किसी भी रूप में आ रहा हो कुंडली में, चाहे ये दोनों साथ बैठे हों या एक दूसरे के। इसका एक मीनिंग और भी है 7th 11th का कनेक्शन होने का कि लाइफ पार्टनर बहुत अच्छे से अर्निंग करता है, लेकिन हम जब मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो एक ही भाव से हम कई चीजें देख, तो हम इसको इसी तरह। बहुत 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 अच्छा है मैम आपने बताया। कौन से भाव इन्वॉल्व होंगे या कौन से भाव होते हैं जो दूसरी शादी के अंदर एक सुख का भाव या एक अच्छा रिजल्ट देंगे साथ में करके, और आने वाला जो उनका टाइम है वो अच्छा प्रदर्शित करते हैं उसमें, कौन से भाव देख सकते हैं इसके अंदर हम? देखिए सेकंड मैरिज के लिए तो हम 9th हाउस ही देखेंगे, और 9th से 7th यानी कि 3rd हाउस, और 9th से 4, 8, 12 पीड़ित ना हो, 9th से 5 और 9 यानी कि लग्नेश लगन और पंचम भाव ये जरा होंगे तो वो राइज तो करेंगे। थैंक यू मैम, ये थे मेरे क्वेश्चंस, आपने बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से बताया, इस इन्फॉर्मेशन से सबकी बहुत अच्छी हेल्प होने वाली है। मैं राजदीप जी से बोलूंगा आगे कंटिन्यू करें। मैडम जो आप बता रहे हैं तो हम तो एकदम सांस रोक के इसको सुन रहे हैं, क्योंकि विवाह तो हमने बहुत पढ़े हैं क्लासिक्स में भी, लेकिन एकदम प्रैक्टिकल रूप से जो आप हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं तो वो बहुत ही एक पॉजिटिव हमारे लिए है। इसमें मैं कुछ चीज और जानना चाहूंगा। नॉर्मली हम लोग जब विवाह की कैलकुलेशन करते हैं तो हम भाव और ग्रह को ज्यादा कंसिडर करते हैं, ज्यादा उनको वैल्यू देते हैं। नक्षत्र अगर हम आधारित हैं ज्योतिष पर, तो दूसरे विवाह में कुछ ऐसे भी नक्षत्र होंगे जो ये दिखाते हैं कि दूसरा विवाह चलेगा, होगा या किसी भी प्रकार से जुड़ेगा। ऐसा है, हम विवाह के लिए राहु को, चंद्रमा को, शुक्र को, इन तीनों को प्रमुखता देते, और 7th हाउस 7th ब्लॉक, इसी प्रकार नक्षत्र को भी इन्हीं के पकड़ेंगे उस कुंडली में, इनके नक्षत्र इन पोजीशन में, इन भावों के और इन ग्रहों, उसी से हम समझ सकते हैं कि विवाह कैसा रहेगा। मैडम एक चीज और हमारे मन में विचार आ रहा है कि दो शादियां और बहु विवाह, चाहे वो पुरुष का हो चाहे महिला का हो, तो क्या हम दूसरी शादी को भी बहु विवाह के रूप में ही काउंट करते हैं, गिनते हैं,
या दो से अधिक शादियां या रिलेशनशिप को हम बहु विवाह में काउंट करते हैं? देखिए, एक से अधिक शादी है चाहे वो दो में या तीन, ये बहु विवाह, इसमें तो कोई मतभेद वाली बात ही नहीं, क्योंकि हमारे संस्कारों में एक ही शादी को मान्यता दी गई। ये तो हमारे देश में वेस्टर्न कल्चर आई, यहाँ के बच्चों में भी कल्चर आई, उससे हमारी सोच भी बदली, बच्चे अपनी मनमाफिक सब कुछ चाहते हैं, तब मतभेद भी आ जाते हैं। फिर इन सबसे ऊपर कुंडली के योगों का हम कुछ नहीं बताते, उनके लिए पूजा पाठ करके दान करके थोड़ा सा शांत कर सकते हैं, बदल नहीं। ठीक बात है मैडम। एक एक बात और हम यहाँ डिस्कस करना चाहेंगे, कुछ ऐसे भी हमारे सामने कुंडलियां आती हैं, नेटिव्स आते हैं जो शादी के साथ साथ एक्स्ट्रा मैरिटल मानिए, या किसी शादी के साथ साथ किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध मानिए, तो हम उसको दूसरे विवाह में गिनती करेंगे या उसको हम एक अलग तरीके से देखेंगे? वो कुंडली के अनुसार वो कहाँ से हमें पता चलता है कि व्यक्ति एक्स्ट्रा मैरिटल या शादी के साथ साथ किसी और से भी महिला या पुरुष संबंध बना सकते हैं, रख सकते हैं? देखिए, ऐसा तो आज के समाज में थोड़ा सा चलन चल ही गया है, लेकिन इसको हम मल्टीपल रिलेशन ही कह सकते हैं। मैरिज तो है जो है, एक ही रहे मैरिज, इसको दूसरी तो हमारी शास्त्रों के अनुसार ही होती है मैरिज, हमारे वैदिक धर्म के अनुसार, कर्म कांड के अनुसार। जब एक किसी वजह से टूट गई या खत्म हो गई, डाइवोर्स हो गया, तभी दूसरी मैरिज हो, वरना एक मैरिज होगी तो लाइफ पार्टनर तो वही है। अब ये तो रिलेशन के लिए होता है, कई बार सप्तम की बैठे ग्रह की दशा चल रही है या सप्तमेश की दशा चल रही है या शुक्र बहुत अच्छा बैठा है, उच्च का बैठा है, उसकी दशा चल गई, कई बार दशाएं ऐसी आ जाती हैं तो आदमी भटक जाता है थोड़ा, लेकिन दशा खत्म हुई, खत्म। इसमें एक चीज और मैं आप जोड़ूंगा यहाँ पर अपनी टीम के द्वारा जो हमारा डिस्कशन होता है, आजकल कोर्ट मैरिज और फिर उसके कुछ समय के बाद ट्रेडिशनल मैरिज, पारंपरिक विवाह, लड़का और लड़की पहले कोर्ट मैरिज कर लेते हैं या अपने आप कुछ शादी बना लेते हैं और कुछ समय के बाद परिवार उसको मान्यता देता है, तो हम इसको सेकेंड मैरिज में कंसिडर करेंगे, चाहे वो धार्मिक रीति रिवाज से हुई हो, चाहे वो कानूनी रीति रिवाज से हुई हो? नहीं जी, ये तो एक ही मैरिज है, सेकंड मैरिज देखेंगे इसको, ये तो तरीके अलग अलग हो गए उनके, मैरिज तो ये एक ही है। अच्छा, मतलब अगर वही लाइफ पार्टनर हैं दोनों तो ये एक ही मैरिज है। ठीक बात है, मतलब आप ये कह रहे हैं अगर लाइफ पार्टनर एक ही है, उसके साथ कितनी बार भी चाहे किसी भी तरीके से विवाह हो, वो एक ही मैरिज कहलाएगी। मैडम, मुझे लगता है शायद हमने इतने कम समय में काफी चीजें आपसे प्राप्त कर ली हैं, और आप इसमें अगर कुछ और जोड़ना चाहें, कोई सूत्र हमें बताना चाहें जो सभी के लिए लाभकारी हो, तो मैं जरूर आपसे निवेदन करूंगा। देखिए, शादी के लिए मैं क्या बताऊं, ऐसा होता है समय आने पर जब दशाएं आती हैं, कई बार रिश्ते ज्यादा मिलते हैं तो हम लोग चूजी बन जाते बहुत ज्यादा, कि नहीं शायद इससे भी अच्छा मिले, और फिर क्या होता है दशाएं बदल जाती हैं, फिर वेट करते रहते हैं। मेरी अपनी जानकार में 37 साल की लड़की हो गई, बहुत सुंदर लड़की, अच्छी काबिल लड़की, फादर इंजीनियर, कोई कमी नहीं है, अब सुटेबल लड़का नहीं मिल रहा है। तो कई बार ऐसा होता है ज्यादा चूजी ना मन के सुटेबल पार्टनर मिल रहा है तो मेरे ख्याल से कर लेनी। आज के बच्चे थोड़ा सा चूजी ज्यादा हो, पहले के बच्चों की तो क्या था, माँ बाप ने पसंद किया और शादी कर दी। ठीक है, तो मैडम आज काफी इम्पोर्टेंट है इसमें, मैडम की डिस्कशन से ग्रहों के, भाव के और नक्षत्रों के बाद महादशा का रोल शादी में, समय आने में महादशा का रोल और उसके चलने में, महादशा और अंतरदशा का जो रोल है वो काफी इम्पोर्टेंट है। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, प्रत्यंतरदशा सब अपना अपना पूरा पूरा रोल प्ले करते हैं। Very important. Rajdeep ji, now it's up to you. Now you can continue. Madam, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने second marriage को specific एक subject लेके आज बात की, और जो लोग हमें देख रहे हैं, जो इस समस्या से या इस particular बात के ऊपर चर्चा करेंगे, हम उनका स्वागत हमेशा रहेगा। Comments box में अपनी बात रख सकते हैं।
और आज हमने सेकंड मैरिज की बात की है। हो सकता है आने वाले समय में देश काल पात्र हमें ऐसा आदेश करे कि हम दो से ज्यादा शादियों पर भी बात करें और मैडम का समय हम लें। तो मैडम, मैं अपनी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपका करता हूँ और आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।